बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबाद की बहुत ही फेमस डिश, दही की कढ़ी, गुलगुलों की कढ़ी, भजियों की कढ़ी जो कह लो, लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। बेस अदरक लहसुन, हल्दी, बेसन, दही, बगाने की मिर्च और ज़ीरा, करी पत्ता, धनिया, हरा धनिया, लहसुन। और ये भजियों का बेसन है जिसमें डलेगा हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, धनिया पाउडर, सोडा, नमक। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बनाना। कैसे बनाते हैं देखेंगे। एक लेंगे भगोना, इसमें हम लेंगे बेसन, बेसन गया इसमें 3 स्पून, एंड देन हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, एंड क्या है ये, अदरक लहसुन, बेसन, हल्दी, अदरक लहसुन गया, हरा धनिया, करी लीव्स और अब हम इसको डालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नहीं, एक अच्छे से छोटा से बॉल दही लेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। फिर हम बाद में इसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, क्योंकि 5-10 पीसेस होगी ये हरी मिर्च पेस्ट बनाया इसका, जिसमें डालेंगे 3 स्पून हरी मिर्च के पेस्ट डलेगा। और फिर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे मिक्स करते जाएंगे जब तक वो अच्छे से लम्स चले ना जाए, जब तक हम इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें पानी डाल के इसको रख देंगे, स्लो फ्लेम पे रखेंगे, 10 मिनट तक रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको पकाते हैं, जब तक ये दही का जो स्मेल है ना वो चली ना जाए, जब तक हम बनाएंगे, जब तक हम जितना हमको थिकनेस चाहिए उतनी थिकनेस रखेंगे, जब तक बनाएंगे पकाते जाएंगे। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी हमको जितना चाहिए, हम जितना रखना चाह रहे हैं उतना पानी डालकर अच्छे से हिलाएंगे इसको। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिया पाउडर, फिर हम धनिया पाउडर डाल के फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते हम देखेंगे कि इसकी थिकनेस कहाँ तक हो रही है, और उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ हम स्टार्ट करेंगे भजियों का जो आटा है वो हम उसको रेडी करेंगे, बेसन जो भजियों का हमने रखा हुआ था उसको रेडी करेंगे। रेडी करके हम इसमें अनियन भी ऐड करेंगे, ये जो बेसन है इसमें अनियन ऐड करेंगे। चलो अभी हम ये फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करके अच्छे से ब्राउन करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको तड़का लगाएंगे, तड़का ये लो भजिया हमने इसमें डाल दिए और अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तो हम यहाँ बना लेंगे बगार, जो जिसमें डलेगा लहसुन, करी लीव्स, ज़ीरा, साबित लाल मिर्च, हम इससे बगारेंगे। और अब ये हमारा बगार रेडी हो रहा है।
बघार को अच्छे से ब्राउन करेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। तो अब ये लो रेडी हो गया है हमारा बघार। लो तैयार हो गई दही की कड़ी, जिसे हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से, और इतनी मज़े वाली रेडी हो गई है कि बस। बहुत टेस्टी, खाने में लजीज ये दही की कड़ी, जो हैदराबाद की बहुत फेमस है। बहुत सारी फेमस डिशेस है हैदराबाद के। इस बार के सब्सक्राइब।